उन पे खास तौर पे नज़र रखता आया है और तमाम अलग अलग केसों में बहुत सारी गिरफ्तारियां करी हैं। बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल बस्ट किए हैं जिनका टाइमली बस्ट ना होने से बहुत ही सीरियस वारदात कहीं ना कहीं ये लोग अमल में ला सकते थे। इसी स्ट्रैंड पे, इसी जो हमारी लाइन ऑफ एक्शन पे, स्पेशल सेल ने लास्ट मंथ एक एनआईए ने रिवॉर्ड डिक्लेयर किए थे 3 लोगों पे, जिन पे अलग अलग ब्लास्ट केसेस में उनकी इन्वॉल्वमेंट होने का आरोप था और उनका एक मेन एक्यूज था मोहम्मद शाहनवास। उसको आज सुबह उसके 2 साथियों के साथ, जिसमें मोहम्मद रिजवान अशरफ है और तीसरा मोहम्मद अरशद वारसी है, इनको अरेस्ट किया। मोहम्मद रिजवान अशरफ जो है वो मौलाना भी है, उसने बाकी 2 लोगों को बायत भी दिलाई थी, जिसमें कि इन्होंने अपनी जो एक कमिटमेंट थी, अपनी इनकी जो भी ये टेरर कॉज थी उसके लिए जाहिर करी थी और ओथ ली थी ऑफ एलिजियंस। और उसके 2 मेंबर जो थे वो थे, एक मोहम्मद रिजवान था जो कि अभी एब्सकॉन्डिंग है, और तीसरा मोहम्मद शाहनवाज था जिसको आज सुबह जैतपुर से अरेस्ट किया गया। जो मोहम्मद रिजवान अशरफ है इसको लखनऊ से अरेस्ट किया गया और इनका साथी जो है मोहम्मद अरशद वारसी इसको मुरादाबाद से अरेस्ट किया गया। आज सुबह कोर्ट में इनको अर्ली मॉर्निंग आवर्स में जज साहब के आगे पेश करके 7 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया है। और जब इनके ठिकानों पे रेड हुआ तो तमाम एक्सप्लोसिव्स बनाने की डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स थी, जो कि इन्होंने अलग अलग जगह से हासिल करी थी, जिसमें एलिमेंट्री प्लास्टिक ट्यूब्स, आयरन पाइप्स, अलग अलग तरह के केमिकल्स, बहुत सारी और जो टाइमिंग डिवाइसेस एक्सेट्रा जो कि एक्सप्लोसिव बनाने में यूज हो सकती थी, वो मोहम्मद शाहनवाज के ठिकाने से हमारी टीम ने रिकवर करी है। इसके अलावा पिस्टल और उसमें कार्ट्रिजेस और उसके साथ और भी जो बॉम्ब बनाने के अलग अलग लिटरेचर थे, जो कि इन्हें खास तौर पे इनके जो क्रॉस दी बॉर्डर पाकिस्तान के हैंडलर्स थे उन्होंने भेजे, और इसके द्वारा काफ़ी लोगों से ये इंटरनेट पे अलग अलग तंजीमों से इन्होंने राफ्ता बना रखा था। और इनको तमाम तरह के जो केमिकल्स कैसे उनको प्रक्योर करने से लेके कैसे उनको असेंबल करना है, उसकी कैसे मैक्सिमम कैजुअलिटी इंश्योर करनी है, वो सारी चीज़ें भी उसके रिलेटेड लिटरेचर जो था उसके ठिकाने से रिकवर किया गया है। अर्ली इंटरोगेशन में जो बात हम आपसे शेयर कर सकते हैं इस स्टेज पे वो ये है कि इन्होंने वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया में अलग अलग जगह पे, जिसकी हम पूरी डिटेल आपको अलग से एक प्रेस नोट के जरिए दे देंगे, इन्होंने रेकी करी। वेस्टर्न घाट्स में इन्होंने अपना टिकाना बनाने की कोशिश करी। कई ऐसे वाइल्ड लाइफ एरियाज थे जहां पे इन्होंने नंबर ऑफ वीक्स बिताए और इनको क्लियरली एक टास्किंग दी जाती थी कि किस स्टेज पे क्या करना है। इवन गुजरात, अहमदाबाद एक्सेट्रा, इन एरियाज में भी इनको काफ़ी इन्होंने एलेबोरेट रेकी करी और इनको क्लियर टास्किंग दी गई थी कि जो भी इन्होंने प्लान करना है वो इस तरीके से करना है कि लोकल प्रोक्योरमेंट हो, ताकि किसी भी तरीके से जो क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट्स हैं उन पे बाद में इनकी जो एलिजियंस या जो इनको गाइडेंस है उसका जो कोई भी ब्लेम है वहाँ पे ना लग सके। लेकिन टाइमली अरेस्ट होने से और इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होने से सारी जो ऐसी डायरेक्शंस थी उसके बारे में सारी जो जानकारी थी हमारी टीमों ने अभी तक रिकवर करी है। और एक बहुत ही टाइमली इंटरवेंशन के कारण नॉट ओनली एक रिवॉर्डेड क्रिमिनल जो एनआईए द्वारा जिसपे 12 सितंबर को ही इनाम रखा गया था उसको पकड़ा गया है, बट उसके जो 2 साथी जो कि बहुत ही एक्टिव मेंबर्स थे इस मॉड्यूल का, उनको भी बहुत टाइमली पकड़ा जा सका है।
और इसके अलावा जो इसका एक मेन साथी जो मोहम्मद रिजवान एक और अभी भागा हुआ है, उस पर हमारी टीमें आगे फर्दर काम कर रही हैं। इनके और भी कुछ ऐसे लोग थे जो कि इनकी कॉज से सिंपथी रखते थे या इनको अलग अलग टाइम पे मिले, उन पे भी आगे जो कार्रवाई है वो अमल में जैसा जैसा हमें इंटरोगेशन के दौरान या फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलेगा उसको अमल में लाया जाएगा। एक मिनट, मैं सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे तो एक एक करके क्वेश्चन आंसर किए बिना नहीं जाएंगे। आप पहले पूछिए सर, जो शहनवाज है ये फॉरेन टेररिस्टों से कैसे जुड़ा, क्या सेलिब्रिटी लाइफ था, किस ने इसको टच किया, फिर इसने कैसे बाकी लोगों को एसोसिएट किया जो आपने दो और बाहर भी गया है सर इसमें, और ये किस मॉड्यूल का मेंबर है? मोहम्मद शाहनवाज जो है ये विश्वेश्वरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से माइनिंग इंजीनियर है, काफी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है और काफी ज्यादा इसको तालीम हासिल है, और नॉट ओनली एक फॉर्मल इंजीनियरिंग डिग्री बट ऑल्सो बाय हिज एक्सटेंसिव रीडिंग ऑन इंटरनेट, और इसने जो डिफरेंट टाइप के अपनी रिलीजियस इंडॉक्ट्रिनेशन भी करी है, तो इसको जो तमील है वो काफ़ी एक्सटेंसिव हासिल है। और इसकी जो आपने सेकेंड पॉइंट पूछा, यस, इसकी जो बीवी थी वो कन्वर्टेड टू इस्लाम है और उनका जो मेडन नाम था वो बसंती पटेल करके था, लेकिन अब उनका नाम इन्होंने शादी के बाद मरियम करके रखा हुआ है। वो भी पढ़ा रहे क्या? और क्या इतने कभी कोई ट्रेनिंग कैंप बनाने के लिए जगहों की रेकी वगैरह भी की थी? ट्रेनिंग कैंप का हम आपको बता चुके हैं कि तमाम जगह पे हुबली में, धारवाड़ में, वेस्टर्न घाट्स में, काफी और ठिकाने हैं वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में, जो कि अलग से भी हम आपको जो जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं वो आपको अलग से हम प्रोवाइड कर देंगे प्रेस नोट के जरिए। इसको क्योंकि माइनिंग में ब्लास्टिंग का बताया जाता है और इसको काफी एलेबोरेट नॉलेज थी ब्लास्टिंग प्रोसेसेस की, और इसको जो भी वहां से पीडीएफ आते थे बॉम्ब बनाने के, इन्होंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी और ट्राई करने के बाद ये बकायदा रिपोर्ट करते थे कि अगर एक पाइप में फॉर एग्जांपल अगर 2 मीटर या 1 मीटर की खोखली पाइप है और उसमें केमिकल डाला या उसमें टाइमर लगाया, जो भी किया इन्होंने, बहुत सारी चीजें इन्होंने करी, क्योंकि पिछले कई साल से लोग अलग अलग स्टेजेस पे रेडिकलाइज हो रहे हैं या अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसके बारे में ये बकायदा रिपोर्ट करते थे। और फिर आगे से इनको फिर बताया जाता था कि इसकी पोटेंसी बढ़ाने के लिए और इनको क्या करना चाहिए। सर, ट्रायल भी किया था इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट का, यही बताया मैंने आपको, यही बताया आपको। जो मोहम्मद शाहनवाज आलम है ये हजारीबाग झारखंड का ओरिजिनली रहने वाला है, और जैसा हमने आपको बताया कि बैचलर इन टेक्नोलॉजी है, विश्वेश्वरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से माइनिंग इंजीनियर है, और काफ़ी एक्सटेंसिव इसको अपनी जो प्रोफेशनल डिग्री के साथ साथ रिलीजियस प्रीचिंग और टीचिंग्स की भी काफ़ी इसको एलेबोरेट नॉलेज है, और ये फुली रेडिकलाइज्ड है। जो इसका साथी है, जो दोनों लोग अरेस्ट हुए हैं, जो मोहम्मद अरशद वारसी है, ये भी ओरिजिनली ही वाज आल्सो नेटिव ऑफ झारखंड, लेकिन उसके बाद इसकी जो तमील है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई, इसने बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, और इसके बाद ये पीएचडी फ्रॉम जामिया मिलिया इन इस्लामिक प्रिंसिपल्स इन मैनेजमेंट की ये डिग्री कर रहा है, डॉक्टरेट कर रहा है, और ये होम ट्यूशंस भी साइंस और मैथ्स की लेता है। और जो इनका तीसरा साथी है मोहम्मद रिजवान अशरफ,
जो कि मौलाना का भी रोल करता है, जो कि रिलीजियस एक तरीके से टीचर भी है, और जिसने इनको जो बैत कहते हैं, जो कि ओथ ऑफ एलिजियंस या ओथ ऑफ कमिटमेंट दिलाई थी, ये आजमगढ़ यूपी का ओरिजिनल नेटिव है, और उसके बाद इसने अलीमियत इन अरेबिक 2009 में पूरी करी, और इसने भी जो बीटेक है गाजियाबाद से कंप्लीट करी, और बीटेक होने के बाद ही प्रयागराज चला गया, और कंप्यूटर साइंस में बीटेक है, और अपनी फैमिली के साथ ही वहीं पे रहता है। सर, कोई स्पेसिफिक टारगेट्स वगैरह इन्होंने कहीं देखी कि वो कि टेररिस्ट है, काम करती है नॉर्थ इंडिया में? बहुत स्पेसिफिक्स हम आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन इनका ब्रॉड ये था कि मैक्सिमम कैजुअल्टी के लिए ब्लास्ट करने हैं और इम्पोर्टेंट डिग्निटरीज को टारगेट करना है। फंडिंग ट्रेल हमारे पास है, इस स्टेज पे हम आपसे शेयर नहीं कर सकते। So a big win for the security agencies in the war on terror in India. We'll continue to track all the developments which are coming in from that big bust in the national capital. For now, a quick break. More news and updates on the other side.